क्या जी छो नहीं रहा है? करेंगे हम लोग सबसे पहले साफ कर देंगे, ठीक है। इसके फिन्स को साफ करिए। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो एनाबास टेस्टोडिनेस में होता है वो जस्ट इसी पोजीशन पे होता है, ऐसे स्क्वायर में। तो इसी वजह से इस स्किन को क्या करना होता है, हमको स्क्वायर में खोलना होता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को विंडो प्रिपरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो विंडो प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया उपाय आपके पास क्या, सर्जिकल ब्लेड है क्या किसी के पास? यस सर, सर्जिकल ब्लेड दो। उसके नीचे और नया भी है। हाँ अपना दे दो। हाँ सही, चलो लाओ। ठीक है, सर्जिकल ब्लेड वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इसको किसी चीज़ से हम लोग दबाते हैं या पकड़ लेते हैं, ठीक। अब जो है एक पहला दूसरा कट लगाया जाता है, उसी के ठीक बगल में एक तीसरा कट लगाते हैं और ऑपर कुलम को लेके चौथा कट लगाते हैं। गिल्स डैमेज हो गई हैं इस वजह से, ठीक। अब ये चीज़ जो है इसको पूरा उखाड़ लिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को पूरी इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। एनाबास टेस्टोडिनियस में यही इसी पोजीशन पे क्या होता है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिल्कुल क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स के आकार के वाइट कलर के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे प्लेट्स के आकार के वाइट कलर के एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअली में इन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट इनको क्यों है, एनाबास के साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई होती है कि ये बाहर भी क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। बाहर अगर ये रेस्पिरेशन कर सकता है, इसका मतलब कि कुछ इसके पास ऐसा ऑर्गन जरूर होगा जिसकी सहायता से ये रेस्पिरेशन कर रहा है। तो वही रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन होता है उसी को हम कहते हैं ARO, यानी कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। इसी को ARO कहा जाता है। और फिशेज में कुछ ही फिशेज ऐसी होती हैं जिनके पास कि ARO प्रेजेंट होता है। ये इसका इंटरनल इंटेस्टाइन लग रहा है, ये आइस तो रहने से आइस तो यहाँ है, ठीक है। तो एनाबास टेस्टोडिनियस में सेम इसी प्रोसीजर पे आप क्या करेंगे, इसका विंडो प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। यस, विंडो प्रिपरेशन। एनाबास को मारना पहले पड़ेगा क्योंकि एनाबास एक ऐसी फिश होती है जो अगर आप उसको हाथ में पकड़ेंगे तो पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने फिन्स को जो ये डॉर्सल फिन्स हैं ये बिल्कुल इस तरीके से क्या कर देती है, इरेक्ट कर देती है। यस सर। और वो उसकी फिन्स एकदम सुई की तरह होती हैं। यस सर। और आपके हाथ में क्या होगी, पूरी तरीके से वो फंस जाएगी, वो आपके हाथ में पकड़ में नहीं आएगी। तो इसके पहले ARO के लिए आपको एनाबास को क्या करना होगा, किल करना होगा, ठीक है। किलिंग के बाद फिर हम एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इस प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल जैसे फ्लावर्स की तरह दिखाई पड़ेगा, बस वो प्लेट्स के रूप में नहीं होंगे, इस तरीके से प्लेट्स के रूप में। उनको कहा जाता है लेबरिंथिन ऑर्गन्स। क्या कहा जाता है? लेबरिंथिन ऑर्गन्स कहा जाता है। ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनाबास टेस्टोडिनियस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बात समझ में आ गई? यस। विंडो प्रिपरेशन के लिए आपको यही करना है। लैटरल साइड्स, दोनों ही लैटरल साइड्स में आपको वो लेबरिंथिन ऑर्गन या लेबरिंथी फॉर्म ऑर्गन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये चूंकि एनाबास है नहीं, ये कोलिसा एनाब एंटिटी का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसमें क्या है, हमको एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सो इसमें भी तो होगा ही? नहीं, इसमें नहीं, हर एक फिश में है ना, हर एक फिश में नहीं होता ये सब। भी तो बाहर सांस ले ही रही है? नहीं लेती। इन फिशेस को कभी बाहर कूदते हुए देखा है? देखो अभी तक इसका गल फ्राई हुआ है, जबकि जो एनाबास होती है ना, तुम जैसे अभी इसको जमीन